जिनीदा साहब आपने रोटी खानी है? दूसरी बारी की पूछ दो प्यार। यार पहली बारी रिकॉर्डिंग ही नहीं है उनसे की। गाइस ये मैंने जानबूझ के गाया था कि आप थोड़ा सा हंस ले निदा की तरह। तो ये गाइस सूखी हुई। तो गाइस ये थोड़ी फालतू एक्टिंग थी, हंसना हुआ तो हंस लेना वरना थूक छोड़ देना। राणा साहब थे। तो गाइस ये आप खाते हैं। अस्सलामुअलैकुम ग्राइस एंड ग्रीस, छोंगे तो छोंगे खुशामदीद एक और बहुत ही बेहतरीन और छोटे से व्लॉग में। जनाब आज हम जो है बड़ी ही प्यारी और जो है लजीज किस्म की रोटी बनाना जो है आपको सिखाएंगे और जो है वगैरह वगैरह काइंड ऑफ द प्लान ऑफ द हिस्ट्री एंड द। चलिए जी हम जो है अम्मी से जो है पूछते हैं क्या क्या चीज़ें डालनी है और वो चीज़ें दिखाती हैं आपको और फिर उसके लिए जो आटा गूंदना है वो भी गूंदते हैं। लेट्स गो। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे गंडे छीले जा रहे हैं और ये हम ज़्यादा नहीं पाएंगे क्योंकि महंगे बहुत हैं, फिर इन्हें ना हो हार्ट अटैक आ जावे। एंड मिर्चाज हरियाँ हरियाँ मिर्चाँ ये छीलेंगे और इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसके बाद जो है आटे में डालेंगे। बहरहाल आपको बाकी चीज़ों से इंट्रो करवा दें। ये सूखा धनिया है, इसको पीसना है। निदा साहब सौंफ भी पाते हैं निदा साहब जा नहीं। सो गाइस ये गलती से अगर आपकी भी बहन जो है थोड़ी सी निदा टाइप है तो वो जो है डाल देती है सौंफ और धनिया सूखे के साथ, तो वो आप देख लीजिएगा। ये सूखा धनिया आ गया एंड और कुछ एक मिनट हाँ इधर साइड पे व्हाट इज़ दिस, ये है ज़ीरा गाइस और थोड़ा सा ये भी ले लिया एंड और ओके गाइस। तो ये सबसे पहले तो नमक ले लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद जो है ये कुटियाँ हुई लाल मिर्चें हैं एंड ये हल्दी है। तो आमिर साहब ये कितने कितने चम्मच डालने हैं इसमें? हेलो थोड़ा चलो जी अम्मी साहब खुद ही डाल रहे हैं। थोड़ा सा ये डाल लिया और हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा हैं एंड हरी मिर्चें अचानक गलतियाँ तो गाइस ये मैंने जानबूझ के गाया था कि आप थोड़ा सा हंस ले निदा की तरह। तो ये गाइस सूखी हुई लाल मिर्चें कूटी हुई और ये धनिया साहब नहीं ये धनिया साहब है कुछ नहीं। एंड गाइस फाइनली जिसमें सारी चीज़ें मिलनी है वो आटा साहब, वो भी जो है हमने रख लिया है। निदा साहब आके गुन्नो इधर आओ। चलो अंज पंजे खिलार जमे अंज खिलार दी होनी है तू। तो चलो जी गाइज ये अब जो है इसको कूट लें थोड़ा सा जो है पीस लें ताकि ये ज़र्रा ज़र्रा जो है बन जाए ताकि खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि ये मुँह में आए और क्रच क्रच सा हो। इसको पीस लेंगे अच्छे से, निदा साहब जो है इसको कूटेंगी। तो चलिए जी गाइज ये जो है इसको कूटा जा रहा है। सही से कूटो निदा वरना मैंने आपको कूटने लग जाना। मैंने निकाल इन सही तरह गिर जाएगा एडी तेरी इंग्लिश उर्दू नहीं है। चलो जी ये निदा साहब को अब काम लगा दिया, बाकी काम देखते हैं। ओके गाइस ये हरी मिर्चें और गंडों को जो है एक साथ मिला के जो इनको अब हम छोटे छोटे पीसेस में करेंगे ताकि जो है आटे में अच्छे से जो है ये घुल मिल जाए। और ये क्या है? ये मेथी है गाइस, एक सब्जी होती है मेथी, ये वो है सूखी हुई मेथी। यार ये फ्लैश लाइट को क्या स्यापा है। हाँ इधर थोड़ा फोकस करो, आपको थोड़ी अगर काली काली नज़र आ रही है तो यार माजरत है क्योंकि इधर हाँ अब थोड़ी सी ठीक है। चलो जी और ये रगड़े चाड़े जा रहे हैं, यू कैन सी इट एंड द प्लांट ऑफ हिस्ट्री। तो गाइज़ मुझे इधर आए हुए थोड़ा सा ही टाइम हुआ है और पसीना आने लग गया है, तो भाई जान आप समझ ही सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है ये जो किचन कहते हैं ना निदा साहब इंग्लिश में, हाँ रसोई खाने का। तो चलिए अब जो है बाकी चीज़ें जो है रेडी हो चुकी हैं और वो आटे में डाली जा रही हैं। लेट्स सी। ओके जी गंडे और मिर्चों को जो है डाल लिया अच्छे से और जितने जो है ब्रेक करने थे वो कर लिए। अब जो है निदा साहब दिस इज रेडी। आहो सुंगड़े नहीं है दस अम्मी है नहीं इन्हें बरीक बरीक तो नहीं कीता अच्छा ये थोड़ा सा इसी तरह रखना है, ज़्यादा बरीक भी नहीं करना। और अभी जो है देखिएगा ये सब कुछ डाल लिया और ये सूखी मेथी नाइस। चलिए जी अब इस आटे को थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा गूंदा जाएगा
और फिर उसके बाद जो है अच्छे से फिर रोटी बन के तैयार होगी। और अम्मी साहब मक्खन किसे चोपड़ी है कि देसी घ्यो के साथ? आज कोई शायद नहीं है अम्मी, सूखी है आज? नहीं, दूसरा घ्यो लावांगे सूखी। ओके, आज जो है वो थोड़ा दूसरा घ्यो है, ना कि देसी घ्यो, मतलब ना ही मक्खन है ना देसी घ्यो है, दूसरा घ्यो लगाएंगे। सूखी भी खा सकते हैं, सूखी भी ज़्यादा मज़ेदार है, और अगर घ्यो लग जाए तो सोने पे सुहागा, और प्लस अचार होना चाहिए, और उस अचार के साथ इतना बड़ा मुंह होना चाहिए ताकि खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर से एक बुर्की तोड़ी और अचार को थोड़ा सा जो है वो खाया, या फिर बुर्की पे लगा के जो है वो बुर्की को खाया। आए हाय हाय हाय। ओके जी गाइस, तो अभी आटा जो है अच्छी तरह रेडी हो चुका है और अभी इसके पेड़े किए जा रहे हैं। यू कैन देख सकते हो, मतलब तुझे इंग्लिश से हाथ तांगे। ओके जी गाइस, तो आग वगैरह लगा के तवा रख लिया है और जो है ये गर्म हो रहा है, तो बस इस पे डालते हैं रोटी और पकती हुई दिखाते हैं आपको। फिर ये जनाब, इसको हम जो है इसकी शेप में ले आए। ओके, देखने में आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर जो है काफ़ी कुछ डाला हुआ है। ये देखें, ये देखो नज़र आ रहा है, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। मुंह में पानी आ रहा है, थूक आ रहा है, उसी को नगा गुजारा कर रहा हूँ भाईजान। गुजारा करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास यही है करने को अभी फिलहाल, क्योंकि रोटी नहीं पकी, पकती है तो फिर खाते हैं, और फिर इसका जायका तो कमाल है, पहले भी खाई हुई है, लेकिन आपको फिर जब वाला रिएक्शन मिलेगा ना, चस आ जाएगी आपको। ओके गाइस, तो ये डाली जा रही है रोटी, अभी ध्यान ना पा ली, हम वीडियो तो चेक कर जाते ना छड़ा ली। ओके जनाब, ये पकनी स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ओके भाई साहब, अब इसकी साइड बदल दी है, ये दूसरी नाल जल्दी पक जाती है ना, हूँ घ्यो भी लाना। तो भाई जान, इसको अब घी लगा रहे हैं थोड़ा सा, क्या हो घ्यो लगा के अब जो है फाइनल टच दे रहे हैं, और उसके बाद जो है ये पक के रेडी हो जाएगी, और फिर इसकी सूरत देखने वाली होगी। तो सूरत जो देखने वाली होगी, आपकी सूरत देखने वाली है अभी, इसको देख देख के जो आपके थूक वाले लबाब जो है आ रहे हैं ना मुंह में, उसको नगा नगा के गुजारा कर रहे हो। आई न्यू इट। ओके जी गाइस, तो ये पक के रेडी हो चुकी है, और जो है दूसरी लगा दी है, इसी तरह बाकी भी पका लेंगे, लेकिन आप देखिए भाई जान, आय हाय मज़ेदार क्रिस्पी टाइप नज़र आ रहा है, आय है कुरकुरापन, आ हा। मुँह में पानी तो आ रहा होगा भाई साहब। हाँ जी नीता साहब, आपने रोटी खानी है? दूसरी बारी की पूछ दो प्यार। यार पहली बारी रिकॉर्डिंग ही नहीं है उनसे की। ओके गाइस, नीता नहीं खाएगी रोटी, बिकॉज ये मोटी नहीं होना चाहती, ये छोटी ही रहना चाहती है। बहरहाल छोड़े, हम तो खाएंगे, आप जो है थूक नगाएंगे। ओके जी गाइस, तो बन के रोटियां रेडी हो चुकी हैं, और चार पकाई हैं, पांच पका ली, वाह जी वाह अम्मी साहब। और काका स्नैन को भी ऑफ़र करवाई है अगर उन्होंने खानी है, नहीं मैं अम्मी खावांगे। एंड ये अचार है, तो अचार एक निकाल लेते हैं अपने लिए, बाकी स्नैन लोग आते हैं तो वो निकाल लेंगे अपने लिए। ओके जी, तो अभी हम टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए टेस्ट करते हैं। चलो जी नीला साहब, ज़रा दिखाओ ये, हाय हाय तती तती है जी, ये अचार लगाया। तो गाइस, ये थोड़ी फालतू एक्टिंग थी, हंसना हुआ तो हंस लेना, वरना थूक सड़ देना राणा साहब थे। तो गाइस, ये आप खाते हैं, कावा के ना कावा, आए हाय हाय। यार आ हा हा, मज़ा ही आ गया, चस आ गया। तो गाइज, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, बिकॉज हमने रोटी खानी है, आप भी रोटी खाएं, ये बनानी आसान है,
आप बनाना चाहते हैं तो चीज़ें आपको बताएंगे, वो डालें और बनाएं और मज़े लूटें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। बिकॉज जल्दी जल्दी है इसलिए बाय यार, अल्लाह हाफिज़।